द्वापर में एक राजा हुआ, उसी का नाम, उसका नाम था पौंड्रक मिथ्या वासुदेव। ओ उसने वैज्ञानिकों की सहायता से अपने दो हाथ और बनवा लिए, एक मशीन का गरुड़ बना लिया, वो उड़ता था आकाश में, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता, शरीर पर कुछ नीला रंग पोत लेता भगवान के जैसा, मुकुट उकुट लगा के लोग उसकी आरती पूजा करते, उसका अभिषेक होता, सबको आशीर्वाद देता पौंड्रक। तब तक किसी ने उसको कह दिया, आज भी नकली भगवान तमाम लोग बनते हैं, वो भी नकली भगवान, भगवान के सामने नकली भगवान। तो पौंड्रक ने कहा, पौंड्रक को कहा कि महाराज, जब तक द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं तब तक तुम लोग, तुम या तो वो नकली हैं या तुम नकली हो, दोनों तो भगवान हो नहीं सकते, एक तो नकली मानना पड़ेगा। ये चढ़ा दिया उसको नारद जी ने, आ गया बातों में। इसने एक दूत को भेजा, पत्र लिखा द्वारकाधीश जी के यहाँ, उस पत्र में लिखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान वासुदेव पौंड्रक महाराज का आप सबको मंगलमय आशीर्वाद। भगवान के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और बड़े बड़े गुण उसमें लिखे थे कि जीवों पर कृपा करने के लिए, भूभार हरण के लिए, सबका कल्याण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। पर बड़े दुख की बात है, मेरे अवतार काल में भी कुछ ऐसे धूर्त हैं जो हमारे नाम से पूजा खा रहे हैं, सोने की नगरी बना ली है, अपने को द्वारकाधीश कहते हैं। तो देखो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं परमात्मा हूँ, करुणा का दया का सागर हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं क्षमा कर दूंगा, हो नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये नकली भगवान बन के कब तक पूजाते खाते रहोगे? इस पत्र को सुनकर द्वारकावासी ठहाका लगाकर हंसे, भगवान भी हंसे बहुत। भगवान बोले, वाह, भगवान ने हमारे ऊपर कोप किया है, कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं, शंख से गदा पद्म धारण करना छोड़ दो, तो हम छोड़ने के लिए युद्ध में आ रहे हैं, क्योंकि इस चक्र गदा किसी पर तो छोड़ने पड़ेंगे, तो तुम्हारे भगवान पे सद जाएं तो असली भगवान, और नहीं तो फिर जो गति तमाम दैत्यों की हुई वही तुम्हारे भगवान की होगी। युद्ध हुआ, उस युद्ध में पौंड्रक की मित्रता काशी नरेश से थी, तो पौंड्रक मारा गया और काशी नरेश भी भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काटा, और मस्तक उनका सारंग धनुष के बाण से मस्तक काटा। और महाराज जी मस्तक काटा तो मस्तक जाके कहाँ गिरा? काशी के राजद्वार पर गिरा। अब तो राजकुमार ने इसको चुनौती माना, काशी में तांत्रिक मांत्रिक हमेशा से रहे हैं। राजकुमार ने, युवराज ने तंत्र विशारद ब्राह्मणों को बुलाया, बोले तंत्र प्रयोग करो, द्वारिका का अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। बोले जी महाराज कुछ खर्च होगा? बोले कितना खर्च हो जाए? उन्होंने अभिचार प्रयोग किया, मारण प्रयोग किया, किसके प्रति? पूरी द्वारिका के सहित भगवान के ऊपर मारण का प्रयोग किया। लोग कहते उनके ऊपर प्रयोग कैसे सफल हो गया, उनके ऊपर कैसे हो गया? महाराज मंत्र तो मंत्र है, देवता तो मंत्र की शक्ति से प्रेरित होकर जाता ही है, भगवान के ऊपर प्रयोग चल गया तो किसके ऊपर नहीं चलेगा? महाराज काशी के ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, और यज्ञ में अभिचाराग्नि प्रकट हुई, काल कृत्या, भयंकर कृत्या। उस कृत्या ने कहा, आदेश, जलाकर भस्म कर दो द्वारकाधीश को, द्वारिका के सहित। अब तो अपने पैरों की धमक से पूरी धरती को हिलाती हुई काल कृत्या वहां से चली आग, कहते ना मूठ चली आग, आग ही तो होती हड़िया, पर यह तो भयंकर अग्नि थी। ओ, आकाश लपटों को छू रहा था, तमाम वनों को नगरों को दग्ध करती हुई आकाशी से द्वारका की ओर चली।
काशी पूरब में है, द्वारिका पश्चिम में है। द्वारिका पुरी की रक्षा में सुदर्शन चक्र भगवान, सुदर्शन चक्र भगवान ने इस कृत्या को भीतर घुसने ही नहीं दिया। तो ये मारण प्रयोग जिस पर किया जाता है उस पर यदि सफल न हो तो प्रयोग करने वाले को ही मार देता है। वो कृत्या लौट के आई काशी, जब उसकी यहाँ दाल नहीं गली तो लौट के आई, और जितने पंडित थे ना, काला कपड़ा लाल कपड़ा पहन के और नमक और सरसों के तेल और मिर्चा लेकर स्वाहा स्वाहा फट स्वाहा कर रहे थे, उन सबको काल कृत्या ने जलाकर भस्म कर दिया, राजकुमार भी को भस्म कर दिया। अब पीछे से सुदर्शन चक्र खदेड़ते हुए उसको आए, सुदर्शन चक्र ने पूरी काशीपुरी को जलाकर भस्म कर दिया, एक भी व्यक्ति काशी में जीवित नहीं रहा, सबको जलाकर खाक। शंकर जी कुछ नहीं बोले, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आपके घर में कोई आग लगावे और आप समर्थ व्यक्ति हैं तो आप परिवार वालों को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? शंकर जी सब चिल्लाते रह गए, चिल्लपों मचाते रह गए, हे विश्वनाथ रक्षा करो रक्षा करो, किसी की रक्षा नहीं करी उन्होंने, जल जाने दो सबको। भैरव जी ने भी नहीं बचाया, गणेश जी ने भी नहीं बचाया, भगवती ने भी नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया, सब काशीवासी जल के मर गए, सब दग्ध हो गए। हाहाकार मचा, थोड़ी देर में जलकर खाक, ठंडी हो गई काशी। देवताओं ने कहा, नारद जी ने कहा, जय जय, आप तो बड़े प्रसन्न हैं आज। शंकर जी बोले, ये बहुत भीड़ भाड़ बढ़ गई थी, जनता बहुत बढ़ गई थी, इस सब में मन नहीं लगता, हम तो श्मशान में ही प्रसन्न होते हैं, आज पूरी की पूरी काशी श्मशान होगी। क्यों? कि इस इन सब का बुरा तो हुआ नहीं, एक तो भगवान के सुदर्शन चक्र की अग्नि से जले, तो वैष्णवाग्नि से जले तो सब वैकुंठ चले गए, सबका मोक्ष हो गया, वो काशी में मरे तो काश्याम मरणान मुक्ति, तो इन सबका तो कल्याण हो ही गया और हमारी मौज आ गई। क्यों? बोले, अब तो काशी में जहाँ इच्छा हो वहीं लौट जाओ, चिता भस्मा लेपा, पूरी काशी ही भस्म हो गई, इसलिए काशी महाश्मशान है। तो आपने बचाया क्यों नहीं? बचाते तो सही आप। शंकर जी बोले, जो मेरे प्रभु के विरोधी हैं उनको तो जलकर भस्म ही हो जाना चाहिए, भगवान के भक्तों को होते तो हम बचाते, ये भगवान श्री कृष्ण को मारण करना चाहते उनको हम बचावें, ये संभव नहीं है।